नहीं मिलती। फिर और इकट्ठा करके पैसा कर, चल इस बार फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब चौथी बार वो इन्वेस्टमेंट करने लगा, उसके पिताजी ने कहा, ये पुरानी बात है, पिताजी ने कहा, बेटा काम करो, अब दिल्ली में बाबा जी के पास जाओ, देखो आप तीन बार पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, आपको सफलता नहीं मिली, अब बाबा जी से आशीर्वाद लेके आओ। जब सत्संग ये कहा तो बच्चा सोच में पड़ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा इसने सोच में पड़ने की क्या बात है, आपने देखो तीन बार पहले इन्वेस्टमेंट करी, आपको सफलता नहीं मिली, अब बाबा जी आशीर्वाद लेके चौथी बार इन्वेस्टमेंट कर दो, अब बाबा जी आशीर्वाद लेके आ जाओ। बच्चा फिर सोच में पड़ा हुआ है, तो पिताजी ने कहने लगे, क्या आप दिल्ली में बाबा जी से आशीर्वाद लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं, कहता मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन बाबा जी को क्या कहूंगा? कहते बाबा जी को बोल देना कि बाबा जी मैंने तीन बार पहले इन्वेस्टमेंट करी है, मुझे सफलता नहीं मिली, अब मैं चौथी बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो कि मुझे सफलता मिल जाए। बच्चा फिर सोच में पड़ जाता है। पिता हैरान, बेटा क्या बात, अब सोच में क्यों पड़े हो, क्यों सोच रहे हो, क्या बाबा जी के पास जाओगे नहीं क्या? कहते नहीं, आपका हुक्म है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट है, वो आप क्लियर कर लो। कहते क्या डाउट है? कहते मैं ये पूछने जाता हूं कि जब मैं बाबा जी के पास दिल्ली में जाऊंगा, बाबा जी से मिलने जाऊंगा, तो ये वाली बात जो आपने कही है बाबा जी से कहने के लिए, ये बात मैं बाबा जी को कितनी दूरी से कहूंगा कि बाबा जी मेरी बात को सुन लें? बाबा जी से 2 फुट दूर खड़ा हो जाऊं, या 6 फुट दूर, या 10 फुट दूर? अब पिता सोचे पड़ जाता है, बेटा इसका मतलब क्या है? कहते नहीं बाबा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बाबा जी मेरी बात 2 फुट से ठीक सुनेंगे कि 6 फुट से ठीक सुनेंगे कि 10 फुट से ठीक सुनेंगे? कहते नहीं, वो तो आप चाहे 2 फुट पे खड़े हो, चाहे 6 फुट पे खड़े हो, चाहे 10 फुट पे, बाबा जी की बात आप, बाबा जी तो आपकी बात सुन लेंगे। कहते फिर बाबा जी मेरी बात 10 फुट से सुन सकते हैं तो 200 किलोमीटर से क्यों नहीं सुन सकते? उनका घर 200 किलोमीटर था दिल्ली से। कहते 200 किलोमीटर से क्यों नहीं सुन सकते? कहते फिर बाबा जी से आप क्या कहोगे? अब बच्चा बताते हैं, बाबा जी से क्या कहूंगा, एक तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से अरदास करूंगा, दूसरा मैं ये कहूंगा, बाबा जी मैंने पहले 3 बार इन्वेस्टमेंट करी है वो आप जानते हो, और मुझे सफलता नहीं मिली ये भी आप जानते हो, बाबा जी अब मैं चौथी बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो कि मेरी जिस कमी से या कमजोरी से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही, आप मेरी उस कमजोरी को दूर कर दो। हम सासन 2 फुट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि शायद 2 फुट पे जाके बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, सर नहीं सुनी जानी तो 2 फुट से भी नहीं सुनी जानी, अगर सुनी जानी है तो 200 किलोमीटर से भी सुनी जाएगी। सुनानी आनी चाहिए, महात्मा कहते हैं हमें बात सुनानी नहीं आती, ये तो सुनता है, लेकिन हमारा विश्वास क्या उस लेवल का है कि ये सत्संग जो महापुरुष नागालैंड में बैठे हैं, जो शायद कभी आ भी नहीं सकते, क्या ये उनकी अरदासें नहीं सुनता? उनकी भी सुनता है, दिल्ली वालों की नहीं, सबकी सुनता है। इसके लिए सासन में बैरियर नहीं है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, नागालैंड, इसके लिए बैरियर नहीं है सासन में, कार के लिए क्या बैरियर है, जो सारी दुनिया का कायनात का मालिक है उसके लिए क्या बैरियर है? बैरियर तो हमारी सोच से बनते हैं,
इसके यहाँ कोई बैरियर नहीं है, बैरियर बनाना नहीं सत्संग। सच्चे बादशाह सत्य महाराज सुदीक्षा जी महाराज हमें ननकार के साथ जोड़ रहे हैं। कभी सत्संग दुख सुख के चक्कर में ना पड़े, कभी किसी बात के लिए जिद मत करें। सत्संग हमारी कैलकुलेशंस होती है, हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक होगा। ये जानता है सत्संग, इसने क्या हमारे लिए रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ये जानता है सत्संग। लेकिन अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, अब हो जाएगा तब होगा, फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, हम पूरी चेन बना लेते हैं। महात्मा कैसे हैं कहते हैं, इस बात का ध्यान रखो, इस पे छोड़ दिया करो। एक बार एक परिवार पहाड़ी इलाके में जा रहा होता है, पुरानी बात है, तो सासे पहाड़ी इलाके में जैसे वो जा रहे होते हैं, उसमें जाते जाते एक सुरंग आ जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। उस समय इतनी लाइटों का भी अरेंजमेंट नहीं था, एकदम अंधेरा, उनकी अकेली गाड़ी जा रही है, परिवार घबरा जाता है। महापुरुष संगत ज्ञान प्रचारक होते, वो नहीं घबराते, परिवार घबराते, एकदम अंधेरा हो गया। सत्संग गाड़ी चलती रहती है, 5 मिनट तक सत्संग हो दे रहा उस टनल में रहता है। 5 मिनट के बाद सत्संग जब वो थोड़ी सी लाइट दिखाई देती है, बाहर जाते हैं तो परिवार को थोड़ी सांस आती है कि चलो अब लाइट आ गई। तो ज्ञान प्रचारक महात्मा उनको समझाते हैं कि तब क्यों घबरा रहे थे, आप शायद जानते नहीं कि अगर ये सुरंग ना होती तो हमें 25 किलोमीटर सफर 1 घंटे में तय करना पड़ना था। उस 25 किलोमीटर को बचाने के लिए, 1 घंटे के सफर को 5 मिनट में बचाने के लिए इस सुरंग बनाई गई है। हम सुरंग से परेशान हो गए, भूल जाते हैं कि सुरंग हमारे फायदे के लिए बनी है। कहां से इसने बचाया हम नहीं जानते, कितने बड़े दुख को इसने छोटा कर दिया हम नहीं जानते। सत्संगत सच्चे पातशाह का तो आशीर्वाद रहता है, हम एहसास नहीं कर पाते। सत्संग जब तक एहसास रहता है जिंदगी भी आनंद में रहती है, जीवन तो हम जी रहे हैं। और कई बार सत्संग महसूस भी करते हैं, सच्चे पातशाह कितना अच्छा जीवन चल रहा है, यह हफ्ता कितना अच्छा बीत गया, ये महीना कितना अच्छा बीत गया, पिछला साल कितना अच्छा बीत गया। तो महात्मा कहते हैं वो साल को कंटिन्यूशन में कर दो, कंटिन्यूम में कर दो, लगातार रहे। जब ये समय अच्छा बीता है तो आगे आने वाला भी अच्छा ही बीतेगा, लेकिन इससे जुड़े रहे ना, जुड़े रहेंगे सब कुछ ठीक होता है। सत्संग क्या क्या हमें दे देता है और कहाँ कहाँ से बचा लेता है हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आपको समय हो रहा है, बस एक बात बता के समझ जाएगा। एक बार सत्संग, पुराने जमाने की बात है जब ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हुआ करते थे, एक सत्संगत पति पत्नी सफर में जा रहे होते, उस समय सत्संग सफर में पहले चलना पड़ता था, कई बार बीच में जंगल भी आते थे। तो सत्संग जंगल में से जा रहे होते हैं, जंगल भी लंबा था, अब उनको सत्संग थकावट हो जाती है, अब सोचते हैं कि हम तो जंगल शाम तक पार नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो सोचते हैं ऐसे करते हैं, हम 10 मिनट के लिए ना आराम कर लेते हैं, जब आराम कर लेंगे तो जीवन में चुस्ती आ जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, फिर हम जल्दी जल्दी चल पड़ेंगे तो हम जंगल को पार कर लेंगे। फिर वो ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों सो गए जंगल का मामला है, ये भी बात ठीक नहीं है। फिर सत्संग वो पति पत्नी को बोलते हैं, आप एक काम करो, आप पहले 10 मिनट के लिए आप आराम कर लो, मैं जागता रहूँगा, फिर 10 मिनट के बाद आप उठ जाना, फिर 10 मिनट मैं आराम कर लूँगा, फिर थकावट दूर हो जाएगी, हम दोनों जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। पत्नी सो जाती, जंगल का मामला है,
पति इधर उधर देख रहा है कि सब ठीक ठाक है। इतने में क्या देखता है कि एक सांप पत्नी की तरफ आ रहा होता है, डर जाता है। डरता क्या है करता, दुख में सुमिरन संत करते, सुमिरन करता है। सासो सुमिरन करते हैं, सुमिरन में तो ताकत होती है, वो सुमिरन करता है और सांप जो नजदीक आके भी अपना रास्ता बदल के चले जाता है। 10 मिनट के बाद पत्नी उठती है, पति को कहती है कि अब 10 मिनट के लिए आप आराम कर लो। पति को गुस्सा आता है, ये कमाल की बात है, ये सो रही थी, इसको सांप काटने आ रहा था, मैंने सिमरन किया, सांप चले गया, इसने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया। फिर उसको दूसरा ख्याल आता है, ओफो भले आदमी, वो तो बेचारी सो रही थी, उसको क्या पता कि जब वो सो रही थी सांप आया, मैंने सुमिरन किया, सांप रास्ता बदल के चले गया, इसका जीवन बच गया, उसको नहीं पता। फिर उसको तीसरा ख्याल आता है, कहने लगा ये परमात्मा, मैं तो इसका दुनियावी पति हूं, मैंने इसकी रक्षा करी, इसको पता भी नहीं, इसने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया। तो कहने लगा ये परमात्मा, मेरे जीवन में भी ऐसा होता होगा, पता नहीं कितने दुख आने होते होंगे, जो दुख तू आने ही नहीं देता, क्या मैंने कभी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया किया है कि तुमने वो दुख आने ही नहीं दिए? सत्संग इसलिए शुक्राना करना चाहिए, सच्ची बातचा, दुनिया में ना जाने कितने दुख हैं, तुमने बचा के रखा हुआ है, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में, सच्चे बातचा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सभी महर्षो ज्ञान की रोशनी दो, सुख दो, तन मंदन के सुख भी दो, और विश्वास दो सच्चे बादशाह हम आपके साथ जुड़े रहे, जीवन में कमी कभी भी नहीं आएगी। सत्संग जी प्यार से बोलना।